कर रहे थे कि एसबीआई को यहां पर बात कर रहे थे ना, एसबीआई को 100 करोड़ टोटल लोन दिया, ठीक, इस टोटल लोन दिया तो उसका होना चाहिए था पीएसएल 40 करोड़, और एक्चुअली वो लोन दे दिया 50 करोड़ 50। आईसीआईसी बैंक का पीएसएल वो था टोटल लोन 60 करोड़, और उसमें उसको देना था 24 करोड़, लेकिन दे पाए 19 करोड़, शॉर्टफॉल 5 करोड़। हम ये बता रहे थे कि एसबीआई जो होगी, एसबीआई अपना एक्सेस अमाउंट, जितना पैसा एक्सेस में दे दी है, उस एक्सेस का वो एक लेंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएल सर्टिफिकेट इशू करेगी, ड्यूरेशन इज 1 ईयर, ठीक, 1 साल का ड्यूरेशन का इशू करेगी आईसीआईसी बैंक। अच्छा आप सोचिए कि अगर आईसीआईसी बैंक 24 करोड़ में से 19 करोड़ दे पाया, 19 करोड़, और 2015 से पहले पीएसएल सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस हालत में विशाल आईसीआईसी बैंक क्या करता? अगर 24 करोड़ देना था पीएसएल में, 19 करोड़ ही दे पाया, तो आईसीआईसी बैंक को क्या करना पड़ता? भारती, हाँ, ये जो होता, ये 5 करोड़ बच गया, वो हम लोग उसको देना पड़ता नाबार्ड को, एक नाबार्ड को देना पड़ता, क्योंकि शॉर्टफॉल अमाउंट जो होता है वो नाबार्ड के पास जाता है। नाबार्ड के पास एक फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो फंड होता है, ये फंड का पैसा फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाता, ठीक, तो ये प्रोसेस थे। लेकिन आईसीआईसी बैंक पे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चल जाता है, ये पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं जाते, ये लॉन्ग टर्म में जाते हैं। तो ये जो हुआ बात, हम बातें कर रहे थे कि ये पैसा जो शॉर्टफॉल अमाउंट है नाबार्ड में जाता है, लेकिन अब एक दूसरा रास्ता भी है। 2015 शॉर्टफॉल अमाउंट अगर बैंक चाहे तो उसको पीएसएल सर्टिफिकेट से मेकअप कर सकते हैं, उसको वो बैंक ढूंढना पड़ेगा जो पीएसएल कोटा से ज्यादा दे दिया, हाँ, एक्सेस, जो एक्सेस हो गया है वो उस वो बैंक जो होगा वो पीएसएल सर्टिफिकेट बेचेगा, और उस सर्टिफिकेट को शॉर्टफॉल बैंक खरीद सकते हैं, आरबीआई को दिखा सकते हैं, आरबीआई बोल देगा तेरा कोटा पूरा हो गया, ठीक, आरबीआई बोल देगा कोटा पूरा हो गया, और बैंक जो होगा वहां देने से बच जाएंगे। लेकिन फिर से बोल दे रहे, लोन का वसूली वही बैंक करेगी जो लोन दी है, क्लेम उसी बैंक का रहेगा जो लोन दी है। ऐसा नहीं है कि वो आप लोन का सर्टिफिकेट खरीद लिए तो उसका घर पहुंच गए कि अब अब एसबीआई आपसे नहीं वसूली करेगी, अब हम आपका सर्टिफिकेट खरीद लिए, हम वसूली करेंगे, नो, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गया, क्या, हाँ, वो सर्विस फी लेगी उसका, वो बैंक का देने का वो एक्स्ट्रा में फायदा है उसको, एक्स्ट्रा कर दे दी है तो इंटरेस्ट नहीं, उसको फी बोलिए आप, फी चार्ज करेगी एसबीआई, इस केस में फी चार्ज करेगी। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फाइनल में आ गए हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था, तुरंत सब कुछ खत्म होने वाला है, हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव टूल्स, इसमें हम लोग पढ़े प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज क्रेडिट रैशनिंग। तो क्रेडिट रैशनिंग में क्या होगा कि जो लोन मिलेगा वो सस्ता में मिल जाएगा, जैसे राशन दुकान में सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक, राशन दुकान में जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर किसान से सरकार अगर 15 रुपये किलो गेहूं खरीदती है तो राशन दुकान में 5 रुपये किलो बेच देगी, तो सरकार करती है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी, है ना, क्यों, आप अगर मान लीजिए राशन दुकान में अगर किसी को 2 रुपये किलो चावल मिल रहा है,
अगर मिल रहा है, तो वही बगल में वो जो किसान होगा वो हो सकता है वो 10 रुपए किलो बेचा हो, तो बीच का जो गैप है वो गवर्नमेंट मेकअप करती है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है, ये रेशनिंग है कि यहाँ पर जो लोन होगा वो सस्ता मिल जाएगा। तो सस्ता में मिल जाएगा तो 1969 में एक एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट क्रेडिट सब्सिडी हुआ, मतलब कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनको नॉर्मल रेट से लोअर रेट में क्रेडिट दे दिया जाएगा, ठीक। लेकिन आपका जो समझने का जो मेन मुद्दा है दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको न्यूज में आएगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम होगा उस स्कीम में जितना में लोन मिल सकता है मार्केट में उससे कम लोन मिलेगा। अभी जो स्कीम चलता है कि फार्मर्स को 3 लाख रुपया तक का जो लोन होगा वो बैंक 7% में देंगे, अगर फार्मर लोन लेना चाहे तो 7% मिल जाएगा। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हो रहा, इस 7% में 2% सरकार दे देगी, यानी बैंक पेपर बनाएगा 7% का, लेकिन किसान को पड़ेगा 5%। किसान लोन लेके आएगा 1 लाख रुपया, अगर क्योंकि 3 लाख लिमिट है तो उसको साल में 5,000 ही देना पड़ेगा, केवल 5,000। तो किसान, आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि किसान ले जाएगा लोन, क्योंकि उसको पैसा कम देना पड़ रहा है, और वो उम्मीद कीजिए कि वो फिर वो बीटी कॉटन खरीद लेगा, कोई महंगा बीज खरीद लेगा, अच्छा वो फर्टिलाइजर खरीद लेगा, और कभी वो दिमाग लगा देगा कि कुछ मशीन जो ऑटोमेटिक सोइंग मशीन वगैरह जो कुछ भी खरीद ले, तो वो उसको फायदा होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अगर किसान अपना कोटा, अपना कोटा मतलब 5%, अगर वो रेगुलरली टाइमली पे करता गया तो 1% और भी सरकार उसको सबवेंशन दे सकती है, यानी तब क्या होगा, वैसा किसान को 4% पड़ेगा, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, 3 लाख तक में लागू होता है, इसे ज़्यादा नहीं। पॉजिटिव साइड के रूरल डेवलपमेंट होगा, गांव के किसान जो होंगे वो फायदे में रहेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 7% में लोन ले, पड़ा तो उसको 4%, और वो जा करके FD कर दे, ठीक है, FD में उसको मिल जाएगा 8%, तो कुछ नहीं करेगा, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट खा सकता है, या फिर गांव में चला दे, गांव में चलाएगा तो 10% मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा, कभी कभी 30% भी मिल जाता है, ठीक, 3 लाख तक। तो अगर वैसा होगा तो इसी केस हम दिखा रहे हैं कि अगर किसान को अगर कुछ नहीं भी करना है तो 7-8 हज़ार रुपया कमा सकता है इस तरह से। तो ये एक दूसरा भी एंगल है इसका। तो एक दीपक मोहंती कमेटी था 2015 में बना था, वो बोला था कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बंद कर देना चाहिए। एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव दोनों जगह में होते हैं। इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि ये टूल्स में नहीं आएगा, लोन वेवर्स ये जो है सरकार करती है, ये RBI का काम नहीं है, ठीक। अच्छा, ये जो पॉलिसी है, ये वाला पॉलिसी, ये भी सरकार का ही पॉलिसी है, ये हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्स हो जाता है ये, ठीक। PSL, तो हम बात करते हैं PSL में हम लोग को करना क्या था, क्वालिटेटिव टूल्स में डायरेक्शन पकड़ाना था ना, तो डायरेक्शन पकड़ाना था तो पकड़ा दिया डायरेक्शन किसानों की तरफ में, ठीक। इसी तरह से लोन वेवर्स, तो सरकारें कई बार लोन वेवर्स अनाउंस करती है, किसान लिया हुआ है लोन चुका नहीं पा रहा है, डिस्ट्रेस में है, तो डिस्ट्रेस में तो लोन वेवर होता है, और फिर कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लोन वेवर होता है, यूपी सरकार बोलेगी कि हम लोन वेवर करेंगे तो फिर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव पड़ जाएगा, तुम भी करो, ठीक। अगर लोन वेवर होता है तो किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है, और माफ किया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बैंक डूब गया, बैंक का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा सरकार देगी,
सरकार का कहना होता है कि किसानों से मत मांगो, वो पैसा हम दे देंगे। दिस इज लोन वेवर। बैंक को कहीं से इसमें नुकसान नहीं है, ठीक, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बैंक को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट दे देगी सब कुछ, दे सब कुछ। वो वेवर का टर्म पे डिपेंड करता है। अगर वेवर हो गया है कि लोन माफ कर दिए है, अगर वो इंटरेस्ट माफ करेगी तो इंटरेस्ट माफ की, तो डिपेंड करता है, तो अनाउंसमेंट में जाएगा। अगर बोले कि वेवर हो गया इंटरेस्ट प्लस सब प्लस कैपिटल, वो ऐसे नहीं बोलते कि सारा माफ कर देंगे, बोले कि 1,00,000 रुपया माफ कर देंगे, तो 1,00,000 रुपया सबका घट जाएगा, और जो 1,00,000 तक कर लिया वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो वो जो होगा, जो भी होगा, वो पैसा जो होगा वो उसमें पे नहीं करना पड़ेगा, और लेकिन बैंक को पैसा गवर्नमेंट दे देगी, ठीक। तो फिर लेकिन फिर भी बैंक बोलते हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं है, बैंक बोलते हैं कि पॉलिसी ठीक नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं, सरकार से ही बैंक को क्या, लेकिन बैंक बोलते हैं कि अगला साल जब हम लोन देंगे किसानों को तो किसान क्या करेंगे, चुकाएंगे नहीं, वेट करेंगे कि कहीं वेवर हो जाए। ये हो ही सकता है ना, कि आप सोचिए कि किसकी वेवर, योगी आदित्यनाथ बोले कि हम लोन माफ कर दिए, और जिस दिन बोले उसका 2 दिन पहले ही कोई बैंक को पैसा देकर के आया था, अपना पैसा वापस रखो, तो कितना अफसोस करेगा। अरे कल ही 2 लाख दे के आया बैंक को, 2 दिन रुक गए होते तो अगला बार जब वो लोन लेगा तो वेट करते रहेगा, हर दिन टीवी चला के देखेगा कहीं वेवर हुआ क्या, ठीक। तो ये जो होगा ना बैंक के पास, तो इसको क्या बोलते हैं ना, एक क्रेडिट डिसिप्लिन, ऐसा वर्ड याद रखिएगा, क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है। ये जो है ना वो जो क्रेडिट डिसिप्लिन होता है वो बैंकों का खराब, सॉरी फार्मर्स का खराब होता है, और वो टाइम पर लोन नहीं भी चुका सकते हैं। लोन वेवर को लेकर के जब आप पेपर पढ़ेंगे, आप यहाँ तक बैंकिंग वालों का कोई काम हो गया है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि जब आप लोन वेवर के बारे में काफ़ी कुछ निकलता है कि इसमें कई समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है कि इनमें केवल उनको ही फायदा मिलता है, इट इज़ नॉट इक्वालिटी। अगर लोन देखिए, आप सब किसान बन जाइए थोड़ी देर के लिए, आप यूपी के किसान बन जाइए, यूपी के किसान आप लोग सब लोन लिए हुए हैं, लेकिन ये लोग कम पॉपुलेशन वाला गांव में रहते हैं, यहाँ तो बैंक है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे कि जो सूदखोर लोग होते हैं उससे लेंगे लोन। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट। सबके पास 2-2 लाख का लोन है, आपके पास भी है और आपके पास भी है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होगा तो आप लोग खुशी मनाएंगे क्योंकि आप तो माफ़ हो गया, हम तो बैंक से लिए थे। आप लोग खुशी नहीं मना सकते क्योंकि आप लोग महाजनों से लिए हैं, आप लोग सूदखोरों से लिए हुए हैं, तो उसका तो गवर्नमेंट नहीं माफ़ करती है ना, गवर्नमेंट तो बोलती है कि बैंक का लोन माफ़ कर दिया। तो कई सारे प्रॉब्लम्स है इसमें, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये न्याय नहीं है लोगों के साथ में, ठीक। तो वो एंगल्स देखिएगा, जब पेपर में आएगा तो इस पर बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं, तो आपको वो एंगल देखिएगा कि इसके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगला है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, तो उसका इलाज क्या कर सकते हैं, कि फार्मर्स को आप लोन वेव मत कीजिए, 1-1,00,000 रुपये दे दीजिए, कर सकते हैं, ठीक। आप 1-1,00,000 रुपये दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि वो लोन चुकाने वाले चुका देंगे, और जो इधर में भी फंसे हुए हैं उनको भी पैसा मिल जाएगा, ठीक। हाँ, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बैंक को मत देखिए और पैसा पहुंचा दीजिए, तो न्याय हो जाएगा कम से कम कि सबको मिला, ठीक। इसमें क्या है कि बैंक से जो लिए थे उसको न्याय, उसको तो मिला, लेकिन जो बैंक से नहीं लिए थे, जो सूदखोरों से लिए थे, उनको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक समस्या, मतलब ये आप देख रहे हैं कि, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम होगा कि वो क्या गारंटी है कि जो लोग लिए थे बैंक से उसको वापस कर देंगे, ठीक। तो ये जो है ये आसान काम नहीं है, इसके लिए पॉलिसी बनाना, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये हम बता ही रहे थे कि ये जो होता है अक्सर ये भी हो जाता है, कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है, एक जगह में लोन माफ़ हुआ और तो वो दूसरा जगह और इसमें फिर अनाउंसमेंट होने लगते हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि फार्मर डिस्ट्रेस में रहते हैं, कई बार जरूरत होता है सुसाइड कर लेंगे, तो जरूरत भी है, आप उसको नेगेटिवली एकदम मत लीजिएगा कि वो खराब चीज़ है, लेकिन
अगर उसका जो कहीं कहीं पे उसमें इश्यूज है, जैसे हम ये वाला बात बता दी आप लोगों को। अच्छा, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, जो लोग वो काम करने वाला जो है दूसरा का जमीन पे काम कर रहा है, तो ये है इस मतलब इसको आप द हिंदू आर्टिकल्स वगैरह निकलेगा तो आप पढ़िएगा उसको, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या करेंगे कि आरबीआई क्या करेगी, बैंकों के लिए एक एक रूल बनाएगी कि आप जिस चीज को फिनांस कर रहे हैं उसमें डाउन पेमेंट कितना होगा। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप एक कार लेने गए और कार का कीमत है 10 लाख, तो आप अपना बैंक को बोलेंगे कि 10 लाख फाइनेंस कर दो, कभी नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि आरबीआई इसके लिए रूल्स बनाते रहती है। आरबीआई बोल देगी कि मिनिमम डाउन पेमेंट अगर ऐसा है 10%, और इसका मतलब आपको कम से कम 1 लाख रुपया फाइनेंस कर आपको देना पड़ेगा, मिनिमम डाउन पेमेंट 10%। अगर मिनिमम डाउन पेमेंट तो बोल दे 20% अगर बोल दी, तो फिर आपको 2 लाख देना पड़ेगा। तो आस इन दोनों में से इजी मनी पॉलिसी कौन है? यस करेक्ट, दिस इजी मनी पॉलिसी हुआ ना, क्योंकि वो कम पैसा में, यानी कि अगर कार का बिक्री बढ़ाना है तो डाउन पेमेंट को कम कर दो। हम बताया ना फ्लो को कंट्रोल करते हैं, किधर जाना है पैसा, तो फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हुआ ये दूसरा बात क्या है कि वो बोल ही सकती है कि एक मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट्स होता है वो 5000 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 5000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जब कभी भी आपको लोन मिलेगा तो आपको 5000 महीना देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि छोटा सा अमाउंट है तो कम दिन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट है तब बढ़ेगा। लेकिन एक बात और भी है कि वो लोग जो 5000 नहीं दे सकते महीना वो नहीं लेंगे। अगर इसको आरबीआई बढ़ा करके बोले कि 10000 महीना कम से कम इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो बैंक से आपको लोन देंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे कि 10000 कम से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए तो कैसा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, टाइट मनी पॉलिसी हो गया। तो ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा लोन टू वैल्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट ऐड होगा ना, हाँ ये तो ईएमआई है, ईएमआई में तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को तो बांट देते हैं ना उसमें। अच्छा, यहाँ पर जो हम बोल रहे थे, यहाँ पर एक और भी इशू है कि यहाँ पर कोई आदमी ऐसा होगा, आप सोचिएगा, जो घर का पैसा लगा करके, यहाँ पे थोड़ा सा और बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे घर का पैसा लगा करके खेती कर लिया होगा, लोन नहीं लिया होगा, डिस्ट्रेस में भी होगा, ठीक। कुछ लोन लेके डिस्ट्रेस में है और कुछ बोले लोन लिए हुए भी डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस सेम है, अपना घर का पैसा लगा के, जो अपना घर का पैसा लगा के कर लिए उनको तो फायदा नहीं होगा। मतलब कई सारे इशूज है, आप उसको पेपर का टच में रहिएगा, जब भी लोन व्यवहार आता है तो पेपर बड़े 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 आर्टिकल्स निकलते हैं, देखिएगा आप लोग। अच्छा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब आप कुछ गोल्ड वगैरह लेकर के जाएंगे कि लोन दो, तो गोल्ड का कीमत रहेगा 1 लाख रुपया, तो क्या 1 लाख का लोन मिल जाएगा? नो, हाँ जो भी होगा वो आरबीआई का रिक्वायरमेंट है, दैट इज लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट। लोन टू वैल्यू, तो लोन टू वैल्यू में अगर आरबीआई बोल दे कि 20% रिक्वायरमेंट रखो, गोल्ड अगर 1 लाख का ले गए तो 80000 का ही लोन मिल सकता है, तो ये लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट इज 20%। हो सकता है आरबीआई बोले नो 30% करो, ठीक। तो अब जो होगा वो 30% रखना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, तो 70 मिलेगा। तो आप समझिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी है, हॉकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, टाइट मनी पॉलिसी हो गया, ठीक। तो ये है, और फाइनली मोरल्स इनोवेशन में होगा क्या कि ये जा करके ये समझाएंगे आरबीआई बैंक के जो चीफ है उनको बुलाएगी, बैठाएगी, वो चाय कॉफी चलेगा और समझाएंगे कि एसएलआर थोड़ा ज़्यादा कर दो, ठीक। बॉन्ड जो होगा सरकारी बॉन्ड,
तो थोड़ा ज़्यादा कर दो, क्यों? सरकार को पैसा की जरूरत है। SLR नहीं बढ़ाएंगे, SLR वही रखेंगे, लेकिन बोलेंगे, समझाएंगे कि तुम लोग देश का तरक्की में क्यों बाधा बन रहा है, इधर थोड़ा बढ़ाओ, या फिर किसी इस सेक्टर में लोन दो, समझा बुझा के मोलस इन्वेस्टन। और कई बार सरकार को बोलते हैं कि अपना खर्चा घटाइए, खर्च क्यों बढ़ा रहे हैं, ये इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक, तो मोरल्स इनोवेशन में जो होता है ये उपदेश देने का काम करते हैं। और फाइनली डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन में जो ये RBI होगी वो पेनल्टी भी लगा सकती है बैंकों पे। आपको कई बार आएगा कि बैंक के ऊपर में पेनल्टी लगाया गया, उसका डायरेक्शन को नहीं मान रहे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। हमारा चैप्टर था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखे क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक, क्वांटिटेटिव में हम लोग सारा का सारा रेट पढ़े, हम लोग CRR पढ़े, हम लोग SLR पढ़े, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSS और ये सब। ठीक, इसके अलावा क्वालिटेटिव में PSL पढ़ लिए, आज तो लिखा ही हुआ है, PSL पढ़ लिए, क्रेडिट ट्रेसिंग पढ़ लिए, लोन वेबर देख लिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल्स इनोवेशन एंड डायरेक्ट एक्शन। ठीक, अब हम लोग को याद कीजिए संडे का करंट अफेयर्स में क्या पढ़े थे, क्यों करंट अफेयर्स, तो क्योंकि नहीं तो हमको क्या करना होगा ना कि सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा हर दिन, तो करंट अफेयर्स से रेफरेंस ले लेते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े थे नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, नॉन ट्रांसमिशन, बात ये है, याद दिला रहे, शॉर्ट में बात करेंगे कि क्योंकि एक बार बात कर चुके हैं नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नॉन ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 5.75% रेपो रेट था, इसको गिरा करके 5.4% किया गया। तो इसलिए किया गया ताकि बैंक भी मार्केट में सस्ता में लोन दे पाए। ध्यान रखिएगा, ये रेट बैंकों का गिराया गया कि बैंक्स तुमको हम कम में लोन देंगे तो तुम भी कम में दो। तो वो अगर 8% में SBI फोकस्ड रहिएगा, RBI पहले SBI को लोन देती थी 5.75 में। ठीक, ये घट के हो गया 5.40। ठीक, ये SBI का कॉस्ट गिर रहा है, गिरा ना, SBI का कॉस्ट ये था, ये हो गया मेरा कॉस्ट। पहले हमको वो देती थी 12% में, तो मेरा भी तो कॉस्ट गिरना चाहिए, तुमको सस्ता में पैसा मिल रहा है तो तुमको सस्ता में दो। तो लेकिन वो हमको बोल रही है कि तुमको देंगे लेकिन तुमको 11.9 पड़ेगा, सोचिए आप। तो मेरा तो मेरा अमर कितना बेसिस पॉइंट गिरा, यस 10 basis point, यहाँ पे 10 basis point गिराना, लेकिन इसको कितना बेसिस पॉइंट का फायदा है, इसको 35 basis point का फायदा है, हमको 10 basis point का फायदा पहुँचाई। RBI सोच रही थी कि RBI सोच रही थी कि हम जब बैंक को सस्ता में लोन देंगे तो ये भी DreamIAS को सस्ता में लोन देगा। ठीक, और DreamIAS एक्सपेंड करेगा, फैकल्टी रखेगा नया नया, तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉय बूम कर जाएंगे। लेकिन हुआ नहीं, दिस इज नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, हम लोग संडे को बात किए थे, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि बैंक केवल RBI से पैसा नहीं लेते हैं। ठीक ना, केवल RBI से पैसा थोड़े लेते हैं, हमको लोन चाहिए था तो आप लोग डिपॉजिट भी तो किए हैं जा करके, तो अगर आप लोग डिपॉजिट किए हैं तो आपका डिपॉजिट का रेट अगर ज़्यादा हो, अगर आपको वो 7% दे रही थी इस केस में और आज भी 7% ही दे रही है, तो कॉस्ट ऑफ फंड ये भी है, एक कुछ पैसा तो इतना रेट में मिल जाता है RBI से और कुछ पैसा आप लोगों से मिलता 7% में। तो ये अगर नहीं गिरा, केवल ये गिर गया, तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा,
अगर सोचिए दोनों 50% है, 50% पैसा यहाँ से आया, 50% यहाँ से आया, तो इसका तो रेट गिरा, लेकिन इसका रेट कहाँ गिरा? नहीं गिरा। तो ये जो होगा फिर SBI क्या करेगी, वो उस तरह से वो नीचे नहीं गिरा पाएगी। तो बात आप बोल सकते हैं कि इसको क्यों नहीं गिराई, इसलिए नहीं गिराई, बात किए थे क्योंकि कंपटीटर है और कंपटीटर खुद गवर्नमेंट है। पोस्ट ऑफिस में जो स्मॉल सेविंग्स है वो हमेशा बैंक से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आपको बैंक बोले कि देखिए हमको सस्ता पैसा बाहर से मिलने लगा है, आप भी थोड़ा कम कीजिए, अगर बोले कि आपको भी हम 6.6 कितना परसेंट हो रहा है वहां से 35 माइनस करेंगे 6.65 है ना, आपको हम 6.65 इंटरेस्ट देंगे, तो आप क्या करेंगे, बैंक से उठेंगे अपना पैसा लेकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे कि पोस्ट ऑफिस वाला तो 7.5 दे रहा है, पहले से ही डिफरेंस था और डिफरेंस हो गया तो आप क्यों जमा करेंगे। तो ये जो होगा डिपॉजिट रेट में कटौती करना बैंकों के लिए आसान नहीं है, और आजकल तो और भी मुश्किल है क्योंकि पहले तो कल पोस्ट ऑफिस थी, अब तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आकर के और भी मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं अभी वो PSB से पब्लिक सेक्टर बैंक से 1% ज़्यादा दे दे रहे हैं, और 1% बहुत होता है, वो कम नहीं। आप सोचिए इसका हम लोग बात 35 बेसिस पॉइंट का कर रहे हैं तो 100 बेसिस पॉइंट कितना बड़ा चीज़ है। ठीक, तो ये एक रीज़न है। और दूसरे जो हम बताए थे, हम बात क्या कर रहे हैं आज, अभी टॉपिक है नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब RBI सोच रही है कि मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा हम छोड़ रहे हैं और एक्चुअली छूट नहीं रहा है, दैट इज नॉन ट्रांसमिशन। तो नॉन ट्रांसमिशन का एक रीजन है कि रिड्यूसिंग डिपॉजिट रेट्स इज डिफिकल्ट, डिपॉजिट रेट जो है उसको कम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्मॉल सेविंग से कंपटीशन है। और दूसरा पॉइंट बताए थे कि बैंक जो फंड को कमिट कर चुके हैं, जैसे पैसा लेके रख चुके हैं इस इंटरेस्ट रेट में फिक्स डिपॉजिट, कल ही लिए थे पैसा और आज RBI का अनाउंसमेंट हुआ, तो इनको तो 7% साल भर तक देना पड़ेगा, साल भर का था, तो वो कैसे कम कर देंगे। ठीक, तो जो फंड ले चुके हैं उसका कॉस्ट नहीं गिरता, आने वाला फंड का गिरता है, तो एवरेज आउट होते होते टाइम लगेगा, ऐसे एवरेजिंग करके करीब 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 2 साल लग जाता है कि वो पूरा का पूरा इफेक्ट आते नहीं तो फंड को रिन्यू होते होते। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं भी होता है। ठीक, आज रहने देते हैं और आप लोग टेस्ट के लिए कल अच्छा से पूरा पढ़ के आइएगा।